नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज पीपीएन इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा रोड सेफ्टी को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया। कॉलेज के प्रवक्ता आरके यादव द्वारा छात्रों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी गई तथा उनसे यातायात नियमों से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। इस प्रकार के प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देना, इसके साथ ही साथ उनको जांचना बच्चों को सड़क सुरक्षा की कितनी जानकारी है। इस प्रकार की प्रतियोगिता से सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जानकारी बढ़ती है और बच्चों में यातायात नियमों के पालन करने के प्रति रुचि बढ़ती है। साथ ही बच्चे यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी होते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश कुमार यादव तथा शिक्षक सुरेंद्र मोहन श्रीवास्तव, बलवीर सिंह, प्रजापति बलराम, सुनील कुमार दिवाकर, सुनील कुमार पटेल, सूर्य नारायण, वरुण मेहता आदि कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। जब भी रेड लाइट होती है तो रेड लाइट देखकर क्या रुक जाते हैं, ठीक है, जिससे कि दूसरी तरफ का ट्रैफिक जो चलने लगता है, एक चीज चौराहे पे रुकते क्यों हैं, लापरवाही देखते हैं। और चौराहे पे आपको जब चलना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक खड़ी बत्ती जो होती है तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक वार्निंग आती है, चेतावनी वाली आती है। चेतावनी वाली कौन सी बत्ती होती है, हेलो हेलो, इसका मतलब है रेडी टू गो, मतलब जाने के लिए तैयार हो। उसके बाद फिर आपके क्लास में से भी हरी बत्ती आती है, इट मींस यू कैन गो फ्रीली, आप आराम से जा सकते हैं। तो ये तीन तो ये चीज हम लोग है। इसके बाद और एक चीज होती है कि आप जा रहे सीधे सड़क पर, दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो आपको ओवरटेकिंग करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए आपको क्या बाएं से करते हैं, दाएं से करते हैं, ओवरटेक किधर से किया जाता है, और अवस्था पड़े तभी ओवरटेक। और जब आप क्रॉस करके रोड, तो आपको क्रॉस करने के लिए रोड में कहां पर करना चाहिए, जिब्रा क्रॉसिंग, जिब्रा क्रॉसिंग, जस्ट लाइक यू कैन सी अकर्मा, ये देखिए जो मास्क के अकर्मा है, ही इज वेरी ये पहने हैं, ये इस तरह पट्टी बड़ी होती है, तो वो जिब्रा क्रॉसिंग होती है, उससे आप निकल सकते हैं, है ना। तो जिब्रा क्रॉसिंग से ही आप जो है उससे रोड को पार करते हैं, ये तो ना। तो आप क्रॉस कहां पे करते हैं, रुकते कहां पे हैं और बाएं यानी कैसे, इसके बाद में आपको आपकी गति जो है वो नॉर्मली बस कितनी होनी चाहिए, आपकी जो गति है रोड पे चलने की वो कितनी होती है, 40 to 50 के बीच होती है, ठीक है। ये बहुत होता है हॉर्न बजाने के लिए, कैसी जगह, ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हॉस्पिटल है और स्कूल है, तो आप रुक जाते हैं, मतलब जो किस जगह रुकते हैं, क्या देख करके रुकते हैं, चौराहे पर, चौराहे पर इसलिए रुकते हैं, रेड लाइट देख के, इस वजह से रुक जाते हैं, रेड लाइट देख करके रुक जाते हैं, ठीक है, आप बताइएगा हॉर्न जो है वो कहाँ कहाँ नहीं बजाना चाहिए, हॉस्पिटल में और स्कूल, वेरी गुड। आप बताइए इसमें जब भी आप ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक आपको बाएं से करना चाहिए, दाहिने से करना चाहिए, दाएं हाथ से, मतलब इसको राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, करेक्ट। आप बताइएगा इसमें जब भी ये किस, कौन सी बत्ती जो है वो सड़क पर, कौन सी बत्ती है जो आपको चौराहे से जाने के लिए यानी तैयार होने के लिए होती है, कौन सी बत्ती होती है, येलो, येलो कलर, येलो कलर मतलब क्या है, तैयार होने के, रेडी टू गो, करेक्ट। अच्छा ये बताइए आप ऐसे सड़क पर आप चल रहे हैं तो आपको क्या सावधानी, क्या देखना चाहिए कि आपको जो सामान्य स्थिति से चले जा रहे हैं तो उसके बाद स्पीड कितनी होनी चाहिए आपकी, कितनी, 40 20 से 30। अच्छा इससे नहीं होने चाहते, वेरी गुड, बढ़ जाएगी। और ये बताइएगा जब आप जो है सड़क पर चलते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जिस किस लेन में चलना चाहिए, कार वाले, और ये कार वाले किस लेन में चलते हैं और पैदल चलने वाले किस लेन चलते हैं, पैदल चलने वाले बताइए, पैदल चलने वाले सारे
सबसे किनारे करते हैं, उसके बाद टू व्हीलर वाले से बात करो। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें। क्रॉस करने के लिए आपको कहां से क्रॉस करना चाहिए? जब सड़क आप क्रॉस करते हैं तो आपको कहां करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।